हम लोग कभी तो मत बनाओ सर। नहीं नहीं, इस साइड का ये ग्रीन वो चाइना सफेद सफेद, हाँ सफेद सफेद वो चाइना है। इस नदी के उस पार सारा चीज जो है वो चाइना के अंडर में है। एवरेस्ट बेस कैंप के हाइट से भी ऊपर हम लोग जा रहे हैं अभी। हायर द हिल्स स्ट्रॉन्गर द विल, हमलिंग द टॉप, आई एम कमिंग। ब्रो देख के हम चाइना ना पहुंच जाए बस। फिर ये नदी दिख रही है, ये नदी है इंडस रिवर, सिंधु नदी, और इसके उस साइड पूरा चाइना है। हम पहुंच चुके हैं डेमचक के हॉट स्प्रिंग में। तुम्हें चाइना में छोड़ दूंगा मैं, वहां से किधर जाओगे? ब्रो आ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। ओहो बहुत तेज धूप आ रही है आंखों पे, कुछ दिख नहीं रहा है। रात में 7 बजे हानले पहुंच गए थे और मंजर ऐसा था कि भाई रूम नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को एक होम स्टे मिला। ये है होम स्टे का नाम डार्क स्काई होम स्टे, और खाना ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ अपना पड़ा था 1000 रुपये पर पर्सन। तो मैं और उस्मान भाई एक ही रूम में हम दोनों रुके हैं। तो आज का प्लान है, आज हम करेंगे यहाँ से उमरिंगला, उमरिंगला से जाएंगे डेमचो, और डेमचो से हम आगे निकल जाएंगे लोमा के लिए, जो कि हम जाएंगे एक नए रास्ते से जो थोड़ा ख़राब है लेकिन उससे जाने वाला है। हानले जो है वो एक्सेलेंट डार्क स्काई कैटेगरी में आता है, इसलिए ये एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। और आँखें नहीं खुल रही, धूप आज बहुत तेज है। ब्रो कल जो तुमने स्टार्स का देखा था वो कैसा लगा था? इतना स्टार्स ऊपर काउंट भी नहीं, अच्छा था। 360 डिग्रीज सारे स्टार्स, इतना इतना इतना, आई थिंक 1 करोड़ स्टार्स। 1 करोड़ तो कम बोला, बहुत ज्यादा हुए। 1 करोड़ का और ऊपर। हाँ 1 करोड़ का और ऊपर। चेहरे की हालत देखो कितनी खराब हो गई है, ब्लैक ब्लैक हो गया है, स्किन छूट रही है। दीदी ब्रेड के साथ जैम नहीं है क्या? बाइक बड़ा सामान ज्यादा। चलो ब्रो तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं उमलिंगला के लिए। सबसे पहले यहाँ से आएगा फोटीला, जो कि 18 किलोमीटर बाद। ओ हो, चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम। व्हाट अ ब्यूटी मैन, ब्यूटीफुल। हालने का रास्ता लास्ट टाइम भी खराब था और इस बार भी एंट्री करने का रास्ता ऐसे ही खराब है। तो मिलने जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आप वे फर्टिला जा सकते हो और एक दूसरा है वेयर नूरबला टॉप। लास्ट टाइम मैंने नूरबला टॉप से किया था, जो कि बहुत ही एडवेंचरस रास्ता था, खतरनाक। पूरा रास्ते में सैंड सैंड सैंड, टर्न पे सैंड, बहुत दिक्कत हुई थी। और ये फोटीला रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। ओ हो, हायर द हिल्स स्ट्रॉन्गर द विल्स, हायर द हिल्स स्ट्रॉन्गर द विल्स। वीडियो बना रहे हो जाएगा, हो जाएगा।
रुक जा मैं आ रहा। सब खुल के गिर गया क्या? कैसे? जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है। धूप है लेकिन भाई ठंड भी है। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल मैन विल। यो यो फोटेला हियर आई एम कमिंग अगेन। एक बार तो कर चुका हूँ अंधेरे में वो भी फोटेला रात में 9 बजे। कितना सही है ये रास्ता zigzag करते हुए बिल्कुल ऊपर तक। मज़ा आ गया भाई इतना आके। 24 मोर किलोमीटर्स टू गो। चलो ब्रो क्या नज़ारा है यहाँ से। ओ भाई साहब हायर उठते हैं आगे। ओ भाई साहब ओह क्या ब्यूटी है मैन ब्यूटीफुल। वहाँ से चलते 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 पूरा ऊपर तक आए। क्या नज़ारा है। BMW के 1250 अफ्रीका ट्विन काफ़ी सारी बाइक्स आई हुई है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फोटेला टॉप। 6th हाईएस्ट वाटरेबल पास इन द वर्ल्ड 18,124 फीट पे। 6th हाईएस्ट वाटरेबल टॉप। फोटो बोलते हैं गेटवे टू अमरिकला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये है ब्रिज और यही आता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया। अमरिकला की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वापस से अमरिकला सेकंड टाइम। ओह You are now higher than Everest base camp. जो एवरेस्ट का बेस कैंप होता है ना उससे भी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और अमरिकला टॉप था अभी और आगे चले फोटो ले रहे हो। एवरेस्ट बेस कैंप के हाइट से भी ऊपर हम लोग जा रहे हैं अभी अमरिकला टॉप के लिए। 19,034 फीट 10 से 12 किलोमीटर और बचा होगा अमरिकला। हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं अभी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। लास्ट टाइम ना सांसें बहुत फूल रही थी बट ज़्यादा बोल रहा हूँ ना तो दिक्कत हो रहा है। अभी तो सेकंड गियर पे ही बाइक ऊपर ही चढ़ रही है। चढ़ जा चल। अभी तो वो ऊपर जाना है यार वो 1000 मीटर टू रीच अमरिकला। बस 1 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे अमरिकला टॉप अगेन। ओह माय गॉड फिर से अमरिकला टॉप। हियर आई एम कमिंग। ओह वो रहा आई थिंक अमरिकला टॉप। यस मैन हायर द हिल्स स्ट्रॉन्गर द विंड। अमरिकला टॉप आई एम कमिंग। ओह यस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अमरिकला टॉप। यो Higher the hills, stronger the will. Umlingla top, I am coming.
ये मैन, ओ भाई साहब इतनी भीड़ है यार, फाइनली वी आर एट द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। Finally we are at Umlingla World Highest Motorable Road, 19,024 feet man! Yeah! We got it! Oh! Oh! National Highway number 1, highest motorable road in the world! Mountain warriors. Yes. We all are mountain warriors. चलो ब्रो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उमलिंगला से आगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी बढ़ रहे हैं डैमचौक विलेज की तरफ, और जब वापस आएंगे तो आई होप कि पूरा खाली हो चुका होगा। यहाँ पे फोटोज़ वीडियोस निकालेंगे अपना मस्त। तो डैमचौक विलेज यहाँ से है करीब करीब 28 किलोमीटर। तो जो डैमचौक विलेज है उसी बॉर्डर के बिल्कुल पास में है विलेज, वहाँ से आप चाइना बॉर्डर देख सकते हो। और वही देखने के लिए मैं इस बार दोबारा से उमलिंगला चढ़ा हूँ। भाई भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा है, हालने में होम स्टे नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मिला। उमलिंगला में इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा कि पता नहीं। तो मेरे मोबाइल में चाइना का टाइम आ रहा है 4:10, चाइना अभी 4 बज रहे हैं। हम बिल्कुल चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक चल रहे हैं। ब्रो बस हम चाइना पहुंचने वाले हैं, हम चाइना पहुंचने वाले हैं, ठीक है? तुम्हें चाइना में छोड़ दूंगा मैं, वहां से किधर जाओगे? चलो ब्रो हम पहुंच ही गए हैं डैमचौक विलेज, ये बिल्कुल बॉर्डर है। तो अभी हम हैं डैमचौक कैफे में, क्या मिलेगा अभी? मिलने वाला तो आलू पराठा, मैगी अंदर मिलेगा, ऑमलेट मिलेगा, दो ऑमलेट। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक आलू पराठा, एक आलू पराठा और एक मैगी। मैगी हॉट स्प्रिंग के पास तो वीडियो बना सकते हैं ना। हाँ। मैं और उस्मान ब्रो पहुंच चुके हैं डैमचौक विलेज, और अभी यहाँ रुके कैफे में कुछ खाएगा और फिर आगे जाएंगे। आगे एक हॉट स्प्रिंग है डैमचौक में, वो देखेंगे। फाइनली हमारा पराठा और मैगी आ चुका है। क्या खाओगे ब्रो पहले? अच्छा तुम्हारा तो कुछ ऑमलेट आ रहा है ना। हाँ, मेरा पराठा है और मैगी। चाइना बॉर्डर पर खाते सब अच्छा अमन ब्रो, बट इधर फोटोग्राफी इज नॉट प्रोहिबिटेड। बॉर्डर पे तो ऐसा होता है सिक्योरिटी। यस यस यस, नाले के उस पार पूरा चाइना बॉर्डर है। ओ किधर जाना है अब, क्या हुआ? ब्रो देख के हम चाइना ना पहुंच जाए, बस चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ये जो नदी दिख रही है, ये नदी है इंडस रिवर, सिंधु नदी, और इसके उस साइड पूरा चाइना है, और ये है अपना इंडिया। ये डैमचौक विलेज, ये पूरा डैमचौक विलेज है। अच्छा इधर का तो वीडियो बना सकता है ना, इस साइड से तो वीडियो बना सकते हैं ना। हम लोग को वीडियो मत बनाओ सर। नहीं नहीं, ये साइड का ही है, जहाँ बनाना है उधर बनाओ, इस साइड पूरा बना सकते हैं सर। वो जहाँ पे वहाँ है ना, वो चाइना है। कहाँ? वो जो बिल्डिंग खड़ा किया है ना सर। हाँ, ग्रीन वो चाइना, सफेद सफेद। हाँ सफेद सफेद, वो चाइना है। इसमें एक रिवर आएगा छोटा सा नाला,
उसका पार पूरा चाइना है, इस पार पूरा हमारा है, ये पूरा चाइना है। अच्छा, इलाका पूरा चाइना है। ये पहाड़ वाड़ सब, ये पहाड़ पूरा चाइना का है। ये पहाड़ सब चाइना है? हाँ जी सर, ये नीचे पूरा हमारा, ये है देमचौक। अच्छा, ये हमारा गाँव है देमचौक गाँव। इधर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा नहीं होता, चाइना वाले से कुछ नहीं होता। लड़ाई झगड़ा होगा तो हम इधर कहाँ बैठेंगे यार, नीचे चला जाएगा। हम पहुँच चुके हैं देमचौक के हॉट स्प्रिंग में, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है गर्म पानी है। छू के देखना, गर्म पानी है ये, एक तरफ से गर्म पानी आ रहा है बोला, एक तरफ से ठंडा। हाँ ये तो बहुत ही गर्म है ब्रो, ये तो बहुत गर्म है, ये वाला ठंडा होगा आई थिंक। हाँ ये ठंडा है और ये गर्म है। तो यहाँ पे हाँ इधर से गर्म आ रहा है, इधर ठंडा, मिक्स होके नॉर्मल हो गया। यहाँ मैंने बनाया है हॉट स्प्रिंग के लिए, यहाँ जो आ रहा है आई थिंक ये भी मिक्स वाला पानी है। सब गर्म पानी, ठंडी जगह पे इतना गर्म पानी मिल रहा है। ये पानी बिल्कुल गर्म पानी है और उसमें सल्फर है, सल्फर। सल्फर क्या होता है, पानी गर्म करता है। क्या सही लग रहा है, बढ़िया यार। इनको ज़्यादा बहुत दे रहे हैं, ये तो एक दो मिनट ज़्यादा पानी में बैठ नहीं पाएंगे, पैर डाल के बैठे तो मज़ा आ रहा है। वो देखो बेटा, इसकी कोई मछलियाँ भी नहीं है बाउंड्री से, है ना। निकल रहे हैं चेक पोस्ट से, जो ये पता नहीं नदी बह रही है, इस नदी के उस पार सारा चीज़ जो है वो चाइना के अंडर में है, सब कुछ चाइना है। तो ये पहाड़, वो पहाड़, सब चाइना, और हम चाइना के बिल्कुल पैरेलल में चल रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये नदी ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे कोई ऐसा बैरिकेड ऐसा कुछ नहीं बना है, हर तरफ कैमरे और बंकर्स बने हुए हैं, बहुत सारे कैमरेज लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी रातों रात क्रॉस कर लिए चाइना पहुँच गया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24/7 आवर्स सर्वेलेंस लगा रहता है और हर पहाड़ के ऊपर टॉप पे कैमरा लगा हुआ है, तो बंकर्स बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली अपना देमचौक विलेज कंप्लीट, अब निकल रहे हैं उमलिंगला। उमलिंगला से आगे बढ़ेंगे हम लोग कोयल की तरफ, फटिला नहीं क्रॉस करके, कोयल से होते हुए लोमा पहुँच जाएंगे। और क्या नज़ारा है ब्रो, कैलाश टॉप। तो यहाँ से ऊपर है मंदिर, एक कैलाश मंदिर ऊपर, वहाँ पे टूरिस्ट लोग को अलाउड नहीं है जाना, बट वो मंदिर है, वो जो मंदिर ऊपर दिख रहा है वही है कैलाश मंदिर। सिर्फ ऊपर आर्मी ही जाती है, सिविलियंस और टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। और सबसे अच्छी बात यही है कि हम बिल्कुल चाइना के पैरेलल में चलेंगे, चाइना वालों को हाई करते हुए, हाई भाई, हाई भाई, हाई भाई, हाई। बढ़िया है, ये सारे चाइना के पहाड़ हैं, उधर के जो रेड वाले हैं, वो जो डार्क रेड वाले पहाड़ हैं, ये सारे चाइना के हैं। अभी जब हम लोग चाइना बॉर्डर के पास में थे, अभी भी शायद मेरे फ़ोन में चाइना का टाइम आ रहा होगा, हाँ 7:30 आ रहा है चाइना का टाइम, और इंडिया का टाइम आ रहा है 5, तो समझ लो डेढ़ घंटे अभी चलता है चाइना इंडिया से। अच्छा अभी ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो 7:30 लिखा हुआ है। वापस से पहुंच चुके हैं हम उमलिंगला टॉप, द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे लास्ट टाइम वो लगा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हटा दिया, यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ था 19,024 फीट। अभी यहाँ ताला लगा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, सारी फोटोज सब हटा दी, आई थिंक कुछ काम चल रहा होगा। टाइम हो रहा है शाम के 6:05 और अभी हम निकल रहे हैं उमलिंगला से, बहुत दूर जाना है अभी, कोयूल होते हुए लोमा पहुंचना है, तो कुछ 15 किलोमीटर नीचे आ गए। अब जाके थोड़ी हवा कम हुई है कान में, अभी हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो गया है वो हवा से, आई होप कि नीचे जाएंगे तो थोड़ा सही होगा।
शिट, मैंने केबल लगाना ऑडियो का भूल गया था, तो अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम लोग कोयूल पे हैं, कोयूल से थोड़ा सा आगे निकले। अभी कोयूल का रास्ता इतना बेहतरीन मिला, मज़ा आ गया, बट अभी यहाँ से ऑफ रोडिंग है। उस्मान ब्रो देखने गए हैं कहाँ तक ऑफ रोडिंग है, अगर ऑफ रोडिंग ज़्यादा दूर तक होगी तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, कोयूल में रुक जाएंगे। अगर ऑफ रोडिंग नहीं होगी, कुछ पास तक होगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो अच्छा है, अच्छा है वो वाला, सीधा वो वाला, बट नॉट लाइक टार रोड और लाइक प्लेन। तो हम लोग गलत आ गए, नॉट फाइव, नॉट फाइव प्लेन। अच्छा है, अच्छा। तो पीछे कैसे करें, चलो। चलो, अच्छा हुआ ये रास्ते पर जाना पड़ा, बहुत ही बालू मिट्टी धूल है, बहुत स्लिप मार रहा था। ओहो, पूरा बालू में। ओहो, इसमें चला गया था, अभी गिरते गिरते बचाऊ मैं वापस जा रहा हूँ, मैं जा रहा उधर। अभी मैं इसमें चला गया था, अभी मैं गिरते गिरते बचाओ भी, अभी मैं इसके अंदर चला गया था, गिरते गिरते बचाओ भी। तो अंधेरे में दिखता नहीं है ना सैंड, नाइट में ना ये सैंड कितना है दिखता नहीं है। हाँ भाई, पत्थरों में चलाना इजी है एज कम्पेयर टू सैंड, क्योंकि सैंड में, बालू में हैंडल बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। ये टू रिस्की, रिस्की रोड, कहीं पे भी गिर जाते हैं, इसमें गिरने का बहुत चांसेस रहते हैं। इतना आगे आने के बाद ये डिसाइड किया है कि भाई कोयूल में ही रुकेंगे और यहाँ से फिर आगे निकलेंगे कल सुबह। फालतू में इतना रिस्क लेना ही नहीं मेरे को, तो वापस जा रहे हैं अभी, कल सुबह फिर से कोयूल से निकलेंगे लोमा के लिए। होम स्टे रुकने का किधर, पीछे। तो गाइस, मैं हूँ अभी कोयूल में, हम लोग रुके हैं एक कोयूल के होम स्टे में, और उस्मान ब्रो यहाँ पे सो गए। एग्जैक्टली रात के 10 बज रहे हैं, और इस होम स्टे का नाम नहीं पता, बस कोयूल में एक होम स्टे हम लोग वहाँ रुके हैं। चलो बाहर निकल के बता दो, क्योंकि उस्मान भाई सो रहे हैं। तो गाइस, अभी हमने कोयूल के एक होम स्टे में, कौन सा होम स्टे नाम नहीं पता, हम लोग सड़क पर से ढूंढ रहे थे, मिल गया, रुक गए। और बात कुछ ऐसी है कि थोड़ी बहस हो गई जो ओनर नहीं, ओनर के लड़के से, कि भाई पानी वानी का सिस्टम क्या है। उन्होंने एक बाथरूम दिखाया, एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम, ये है इनका बाथरूम। ये बाथरूम है और टूटा फूटा बाथरूम है, ये पानी का कोई सिस्टम नहीं है। गलती ये है कि भाई हमने बिना बाथरूम चेक किए रूम ले लिया, फिर इसी बात है मेरी बहस हो गई कि भाई बाथरूम में पानी नहीं है, क्या करना है, मतलब पानी तो है नहीं, तो फिर कैसे, मतलब मुंह कैसे धुलें, क्या करें। तो मैंने बोला कि आप लोग पैसे ले रहे हो लेकिन कुछ पानी वानी कुछ नहीं दे रहे हो, सब मैंने बोल दिया। तो फिर क्या हुआ, और जो लड़का था उसके फादर आते हैं, काफ़ी कुछ उल्टा सीधा हम लोग सुनाते हैं, और रात के 9 बज गए थे, तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, बोल रहे हैं कि निकल जाओ आप लोग यहाँ से, कुछ खाली कर दो। हाँ, मेरे लड़के को ऐसे कैसे बोल दिया कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, ये मुंह तोड़ दूंगा अगर ऐसा कुछ दोबारा बोला तो, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें काफ़ी बोलने लगे। फिर वो आंटी आती है, मतलब उनकी वाइफ, और वो फिर उनको शांत रह के लेके जाती है। और टाइम हो गया रात के 10, हमारा जो ये होम स्टे है इसमें था 1000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो 10 बज गए और अभी हम लोग को खाने का कुछ नहीं मिला, और उन्होंने सुबह से भी कुछ नहीं खाया था, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, दोपहर पूरा मिंगला ऐसे ही कर लिया। उन्हें यहाँ पे बोला था कि खाना मिलेगा, खाने का भी कुछ नहीं दिया, तो बस यही है ना, बुलाया अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा सीरियसली। अंकल बोल रहे हैं बगल में चाइना बॉर्डर है, समझ रहे हो ना, तो वो धमकी दे रहे थे हम लोग, क्योंकि निकल जाओ अदरवाइज मतलब बहुत बुरा हो जाएगा तुम लोग के साथ, काइंड ऑफ ऐसा। रात में 10 बजे तक कहाँ ढूंढते होम स्टे, तो हम लोग का फिर कुछ बोले नहीं। ये था कि उस्मान भाई ने बोला कि चलो ठीक है रुक जाते हैं, फिर सुबह निकलना है जल्दी, देखा जाएगा। तो बस ये कहानी है कोयूल की अपनी, पहुँच तो गए कोयूल रात में। सब शुरुआत अच्छी थी, बट एंड अच्छा नहीं हुआ। ठीक है,
कोई नहीं, 10:15 बज गए ब्रो। स्मान भाई तो बिना खाना खाए सो गए। स्मान ब्रो क्या करेगा अमन भाई, 10 बजे हो गया, दीदी बहुत लेट से बनाएगा, इसीलिए हम 1 घंटा स्लीप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।